वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। आज हम करने जा रहे हैं स्क्वाट ट्रेन, जिसमें मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बाइसेप और ट्राइसेप दोनों को ट्रेन करना। तो ये मेरा गेनिंग रूटीन है वैसे, बट मैं लोगों को दिखाऊंगा कि ज़रा बहुत लोगों से पूछते हैं कि आर्म्स का साइज कैसे बढ़ाया है। कुछ जेनेटिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, बट मैं आपको वर्कआउट दिखाऊंगा, वर्कआउट करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये जो पूरा वर्कआउट है ये मेरा सुपर सेट्स में है। तो पहले आप स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप पुश डाउन से, बॉडी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगी और आपको प्रॉपर नीचे ले जाकर उसको स्क्वीज करना है ट्राइसेप को अपना। और उसके साथ आपको स्टार्ट करना है अपना ऑल्टरनेट डंबल पेज जो कि होंगे स्टैंडिंग। इसमें कोशिश करेंगे अपना प्लेट्यू रीच करने के लिए और अपने कुछ फेलियर तक रीच करना है आपको। और ईच हैंड में 15 रेपिटेशन होंगे, जितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं उस मैक्सिमम वेट से। हाँ, कोशिश ये करिएगा कि आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज ना हो। थोड़ा बहुत चीट चल सकता है, हल्का बॉडी मूवमेंट जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा आपको नहीं जर्क देना है बॉडी को। उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे केबल हैमर पेज, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो में देख रहे हैं सेम प्रॉपर यही मूवमेंट रहेगा। आर्म्स आपको थोड़े से आगे रखने हैं अपने चेस्ट से और सपोर्ट लेना है हल्का सा। और उसके साथ आपको करनी है वन आर्म ओवरहेड एक्सटेंशन, जो स्लो हुआ मूवमेंट बैठ के कंट्रोल बिल्कुल ट्राइसेप को अपने प्रॉपर उसमें एक्टिवेट करते हुए कंसंट्रेट रखेंगे, फोकस रखेंगे माइंड को बिल्कुल। और इसके बाद आप करेंगे फ्रीचर पेज, जिसमें आप बहुत हैवी लोड नहीं लेना है आपको, एक मॉडरेट वेट रखना है और कॉन्सेंट्रेट करके एक्सरसाइज करना है। इसके बाद हम स्विच करेंगे ट्राइसेप की स्कल क्रशर में, डंबल स्कल क्रशर में। मैं डंबल प्रेशर करता हूँ बार के अलावा, क्योंकि बार से मैक्सिमम टेंशन आपके फोर आर्म्स और रिस्ट पर रहती है, तो मैं डंबल प्रेशर करता हूँ और आपको भी सजेस्ट करता हूँ आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद जाते हैं हम डंबल स्पाइडर कर्ल्स पे। स्पाइडर कर्ल्स और डंबल पे मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि एक तो पीक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, प्लस डंबल से फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। इसके साथ करना है रिवर्स पुश डाउन, जो कि केबल पे होगा स्ट्रेट बार से। मैं आपको स्ट्रेट बार ज़्यादा परफॉर्म इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा कंसंट्रेशन देता है। एक बार आप भी अच्छे से ट्राई करके देखें इसको, जब आप इसे 10 से 12 रेप कर ले तो एक बार फेलियर तक पहुँचने के लास्ट रखें, आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे और अपने सिर को नीचे झुका लेंगे ऐसे, और नीचे फिर प्रॉपर किक देंगे फेलियर से। इसमें कोशिश करिएगा कि थोड़ा बहुत मूवमेंट मिले आपको बॉडी का, ताकि प्रॉपर ट्राइसेप में फेलियर हो जाने में आपको हेल्प हो। इसके बाद आपको करनी है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। तो डबल कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स में आपको ध्यान रखना है कि आप हाई रेप्स करें एक मॉडरेट वेट पे, जिसको आप कंट्रोल कर सकें। उसका जो भी एंटी ग्रेविटी मूवमेंट होगा वो आप कंट्रोल करेंगे, और जो आपकी फिनिशिंग एक्सरसाइज होगी वो होगी केबल किक बैक, जिसमें आपको 3 सेट करने हैं और बिल्कुल फेलियर तक जाना है इसको। इसमें कोशिश करिएगा, देखिए जितना वेट मैंने उठाया है आप इसको कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा, जो भी आप वेट उठाएं बस उसको फोकस पर रखें और कंट्रोल रखें।